मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक और ताहिर साहब हैं और उनसे आज बात करेंगे आईएमए के बारे में। ये जो आईएमए का है कि व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ रहे हैं कि मंसूर खान ने बहुत सारे लोगों को कहा है कि मेरी प्रॉपर्टी नहीं बिक सकती है, उस पर मेरा ये कंट्रोल है, ऐसे बहुत सारे चीज आ रहे हैं कि प्रॉपर्टी नहीं बिक सकती है और इधर आप आईएमए का फॉर्म फिलअप हो चुका है। तो अब जो इन्वेस्टर है वैसे मैसेज भी आ रहे हैं और फॉर्म भी फिलअप है, अब कहाँ ये स्टैंड करते हैं, कुछ जानकारी है इसको? देखिए बेसिकली मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा इसके बारे में कि मंसूर मना कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। देखिए एग्जांपल अभी क्या चल रहा है, अभी कोर्ट में एविडेंस चल रहा है जिसमें मंसूर की जो प्रॉपर्टियों को अटैचमेंट करने के लिए एक प्रोसीजर कोर्ट में चल रहा है। तो जो आप लोगों ने क्लेम फॉर्म दिए हैं तब तो आप लोगों कितना क्लेम है बोल के मालूम चल गया। तो उसके बाद जितनी इसकी प्रॉपर्टियां हैं उसका एक वैल्यूएशन भी होकर है, उस वैल्यूएशन को उसको अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको बेचना है तो कोर्ट उसको पूरे इसको प्रॉपर्टीज के ऊपर जो अटैचमेंट है उसको एब्सोल्यूट करना है, और जब एब्सोल्यूट होगी तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसका ऑनर बन जाएगा उस प्रॉपर्टी का, फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या कर सकती है उसको बेच सकती है। तो उस प्रोसेस में क्या होता है, आज इसकी प्रॉपर्टी इसके पास से सीज हुई मंसूर से, तो उस प्रोसेस कोर्ट का एक प्रोसीजर है। उस प्रोसेस में क्या होता है, मंसूर एक पार्टी रहती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के खिलाफ, एक मंसूर एक पार्टी रहती है। तो जब वो एविडेंस करता है तो नेचुरली कोई भी आदमी बोलेगा नहीं कि मैंने धोखा दिया और तुम मेरी प्रॉपर्टी बेच के लोगों को दे दो बोलते। उसका आंसर ही चाहिए रहेगा कि भाई मैंने धोखा नहीं दिया है और मैं ये लोग मेरे पार्टनर थे, मैंने पूरा बिजनेस किया था, बिजनेस में जो लॉस हुआ तो मेरी प्रॉपर्टी को अटैच मत करो बोलते ये है। तो नेचुरली हर एक जो गुनहगार होता है उसका ये एक वर्जन रहता है इसका। तो इससे क्या ही पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है, परेशान होने की भी जरूरत नहीं है, एक लेगल प्रोसीजर है। उसने लोगों को धोखा दिया है, इतने 50,000 लोग हैं जिसका इन्हें पैसा देना है, तो ऑलरेडी वो एस्टेब्लिश हो गया है। तो कोई भी कोर्ट उसकी बात सुने कोई फैसला देने वाला नहीं है। और कई लोग मुझे सुना है, कई लोग मुझे बोल रहे हैं कि भाई वो बहुत सारे एडवोकेट रखेगा, बड़े बड़े एडवोकेट रखेगा और वो एडवोकेट इसको लेकर जाएंगे कि ये केपीडी में नहीं आता, ये कंपनी एक्ट में आता है या कॉर्पोरेट एक्ट में आता है, ऐसा करेगा जिससे कि हम लोगों को और दिले हो जाएगी, हो जाएगी, वो हो जाएगी बोल के बहुत सारे एक मैसेज आ रहे हैं। तो इन सारे लोगों के लिए मैं एक जवाब देना चाहता हूँ कि केपीआईडी एक्ट में कोई भी डिपॉजिट, चाहे वो कंपनी का हो चाहे एलएलपी का भी हो, वो सब कवर होता है केपीआईडी एक्ट में। बस सेकंड चीज, एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में इसका एविडेंस होना जरूरी है। और एविडेंस में इन्हें किसी भी हालत में अपने मुंह से नहीं बोलेगा कि ये मैंने धोखा दिया है, वो कोर्ट जो हालात दे के कोर्ट अपने आप इन्फ्रेंस लगा देता है कि उन्होंने धोखा दिया है। अगर वो धोखा नहीं देता तो कंपनी डूबती नहीं थी और इतने सारे लोग रोड पे नहीं आते थे। तो कोर्ट को सामने मालूम है, वो अपना एक देगा, उसका एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर को नहीं करेगा, कोर्ट पूरा फैसला देगा कि इस पूरी प्रॉपर्टियों का अटैचमेंट का एब्सोल्यूट करने का, उसको बेचने का। मगर एक सवाल दूसरे लोगों से, कब तक हमें पैसा मिलेगा, बहुत सारे लोग मुझे फोन करके पूछते हैं। तो मैं उन सारे लोगों को बता दूं कि आपको ना ही पैसा फरवरी में मिलेगा ना ही मार्च में मिलेगा, मैक्सिमम आप टेंटेटिवली आप कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि आपको दिसंबर तक पैसा आपको मिलने की उम्मीद है। और इंशाल्लाह मैक्सिमम अभी आज की डेट में एक 50% का लोग आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कि 50% पैसा उन लोगों को मिलेगा, इतनी आप लोग उम्मीद कर सकते हैं। और जो बातें जो ये लोग बोलते हैं, कोई भी जो कोर्ट में गया, कोई भी बहुत लोग क्लेम करते हैं हम कोर्ट में गए थे उससे मिले, हमने एविडेंस देखा, तो ये से एक लेमैन रहते हैं, उनको इसकी समझ ही नहीं होती है। तो अगर आपको रियली आपको कुछ करना है, अगर आपको किसी को देखना है जाना है और वो कोर्ट में गए, तो आप एक एडवोकेट, अच्छे एडवोकेट के साथ जाना, वो एडवोकेट ही बताएगा कि ये जो चल रहा है उसका क्या आंसर हो सकता है या क्या इफेक्ट हो सकता है। आप दूसरों की सुनी सुनाई बातों में परेशान मत हो और दुआ करो जल्दी जल्दी ये प्रॉपर्टी का अटैचमेंट एब्सोल्यूट होए और उसको जल्दी पैसा, उसको जल्दी बिके वो प्रॉपर्टी और जिसकी वजह से आपको पैसा मिले। ताहिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आईएमए के ऊपर रोशनी डालने के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया।